क्लास फाइव के लिए, क्लास फाइव के लिए जो है चैप्टर जो है 16 है ना पढ़ेंगे, उसमें जो है आपको दिनेशस्य पत्रम यानी दिनेश का पत्र, ये पत्र लिख रहा है दिनेश, है ना। कहाँ से? तो विद्या निकेतनम पाटलिपुत्रम दिनांक 15/2/2011 को लिखा गया है यह पत्र, है ना। प्रियवर रमेश, प्रियवर रमेश, सप्रेम नमस्ते, प्रेम के साथ प्रणाम नमस्कार। प्राप्तम तो पत्रम, तुम्हारा पत्र को मैं प्राप्त किया। कुशलम विज्ञा है प्रसिद्धामी, हाँ कुशल जान करके, विज्ञा मैंने जान करके मैं बहुत खुश हूँ। अत्रापि सर्वम कुशलम अस्ति, और यहाँ पर भी सभी लोग जो हैं कुशल से हैं। मित्र तुभ्यम संस्कृतम न रोचते, मित्र तुम्हें संस्कृत कथन न रोचते, क्यों नहीं अच्छा लगता। भाषासु संस्कृत मधुरम, भाषाओं में संस्कृत बहुत ही मधुर है, मीठा है। प्राचीनतमम वैभवमयम च, यह प्राचीन है, अति प्राचीन और वैभवमय है ना। वैभवमय देखो यहाँ पर वैभवमय समृद्ध है भाषा, यह कैसी भाषा है, समृद्ध है। भारतीय संस्कृति संस्कृतम अवलंबते, भारतीय संस्कृति जो है संस्कृत में ही जो है आपको अवलंबते निर्भर करती है, है ना। यह संस्कृतम न जानती सा कथम भारतम जानतु समर्थ भविष्यति, कि जो संस्कृत नहीं जानता वह किस प्रकार से भारत भारतम ज्ञातुम भारत को जानने में समर्थ हो सकेगा। कथमस्ति कहा गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति, तथा भारत की दो ही प्रतिष्ठा है, क्या है, संस्कृत और संस्कृति। मित्र विश्व साहित्य संस्कृतस्य गौरवमय स्थानम अस्ति, अब मित्र विश्व साहित्य में संस्कृत का गौरवमय स्थान है। संसारस्य सर्वश्रेष्ठानि अनेकानि पुस्तकानि संस्कृतम लिखितानि च, संसार के सर्वश्रेष्ठ जो भी पुस्तक है, अनेक जो पुस्तकें हैं संस्कृत में ही हैं। वेदा उपनिषद महाभारतम रामायण रामायणम गीता पंचतंत्रम आदि अनेक ग्रंथा जगत आकर्षणस्य केंद्रम, और महाभारत वेद उपनिषद रामायण गीता पंचतंत्र आदि जितने भी अनेक ग्रंथ हैं वो जगत के आकर्षण का केंद्र है। आकर्षण मतलब घिंचाव है ना, का केंद्र है। संस्कृत आध्यात्म विद्या या विज्ञानम अस्ति, संस्कृत जो है आध्यात्म विद्या का क्या है, खजाना है, निधान है ना। अनेक विदेशिका अपि आत्मजाना इदानीं संस्कृतम शिक्षन्ते, बहुत सारे जो हैं विदेशी जो भी हैं आत्मज्ञान के बारे में, स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में इस समय संस्कृत के शिक्षा प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। संस्कृत भाषा बहुनाम भारतीय भाषा नाम जननी अस्ति, और कहा गया है संस्कृत के बारे में कि संस्कृत भाषा जो है बहुनाम भाषा नाम यानी सभी भाषाओं की क्या है, माता है, जननी है। किम अधिकम भारतीय रीति नीति आचार व्यवहार ज्ञानम विज्ञानम सर्व मंत्रम मूल रूपेण विद्यते, क्या कहूँ, भारतीय रीति नीति आचार और व्यवहार जो है सील व्यवहार ज्ञान और विज्ञान में सर्वत्र यह मूल रूप से विद्यमान है, स्थित है। अधुना संगणम कार्येषु संस्कृतस्य उपयोगिता अनुभूयते, इस समय अभी संगणक एक कंप्यूटर है उसके कार्यों के संस्कृत की उपयोगिता को हम अनुभव कर सकते हैं। अतएव भयम संस्कृतम अवश्य पठेम, इसलिए हम लोगों को संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए।
पूज्य पादेशु प्रणामा, और बड़ों को प्रणाम। अनुजेभ्य स्वस्ति अस्तु, और छोटे जो हैं उनको स्वस्ति हो, कल्याण हो। पत्रोत्तरम शीघ्रम दयम, और पत्र का जो है उत्तर जो है शीघ्र दिए दें, दीजिए दें, है ना। और इसके बाद देखो दिया गया है, लिखा है, देखो अपना इसका नाम दे दिया है, श्री रमेश ओझा मुजफ्फरपुर और स्नेहासीन दिनेश। लिखने वाला कौन है तो दिनेश है, यह दिनेश लिख रहा है। कहाँ से लिख रहा है तो विद्यानिकेतनम पाटलिपुत्रम, है ना। तो इस तरह से जो है अब इसको हम लोग अगले दिन जो है प्रश्नोत्तर करेंगे, और आप लोग विशेष करके क्लास फाइव के लिए जो है 12 और 13 चैप्टर को परीक्षा के दृष्टिकोण से भली प्रकार से आप पढ़ लें, सभी प्रश्नोत्तरों को जो है जो भी उसमें दिया हुआ है उसको भली प्रकार से। धन्यवाद।